12 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बिहार पुलिस को रिजल्ट को लेकर के वेट कर रहे हैं कि बिहार पुलिस के रिजल्ट कब तक आएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपके रिजल्ट कब तक आएगी और इसके लिए 100% आप लोगों का दोस्तों एक ऑफिशियल अपडेट आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि ऑफिशियल अपडेट जो है वो क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। आधे उधर देखोगे वीडियो तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो आप इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिएगा शेयर ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को आज की जो ऑफिशियल अपडेट निकल के आया है जो कि हिंदुस्तान खबर में निकल के आया है, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे भी यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो बिहार पुलिस की 12,000 सिपाही की बहाली थी वो फंसी पड़ी है। बिहार पुलिस की में सिपाही की जो बहाली थी कोरोना के फेर में फंस गई है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो आपकी 12 जनवरी और 8 मार्च को जो आपका एग्जाम हुआ था वो आपके एग्जाम का जो रिजल्ट था आपके अप्रैल मई तक जो था कंप्लीट होकर के उसकी शारीरिक परीक्षा होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से वो डेट आगे बढ़ती गई। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, गर्दनी बाग में जो स्थित स्टेडियम है हाई स्कूल में जो 15 अप्रैल से इसकी बुकिंग भी की गई थी, लेकिन दोस्तों अभी आपको पता है कि 3 मई से आपका लॉकडाउन अभी जो हाल ही भी चल रहा है 3 मई तक अभी लॉकडाउन रहेगा, लेकिन आगे भी बढ़ने की संभावना है, वो आगे आने वाले दिनों में आपको अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये 15 अप्रैल को बुकिंग की गई थी लेकिन 15 मई से ये संभव नहीं लग रहा है। जैसे कि आपको मैंने बताया 3 मई तक लॉकडाउन है और ये बिल्कुल संभव नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि कम से कम रिजल्ट देने से लेकर के कम से कम उनको कितने दिनों का टाइम चाहिए, 21 दिनों का टाइम चाहिए शारीरिक परीक्षा दिलवाने के लिए। देखो दोस्तों यहाँ साफ साफ लिखा रहा है कि ऐसे में मई में शारीरिक परीक्षा संभव नहीं लग रहा है। अब तो आपने ये पेपर कट पढ़ा होगा कि संभव नहीं लग रहा है, तो भाई रिजल्ट आपका कब तक आएगा? अभी तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बस दोस्तों आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि अनअकैडमी बीपीएससी पे आप लोगों को 100% सही और सटीक न्यूज आप लोगों को दिया जाता है, कोई फेक कोई गड़बड़ न्यूज आप लोगों के साथ नहीं प्रोवाइड कराया जाता है। मैं आप लोगों को रिजल्ट भी बताऊंगा कि रिजल्ट आप लोगों को कब तक आएगा, लेकिन दोस्तों यहां पर आप लोग देख लो 11,880 पदों पर होने वाली बहाली थी लेकिन इसको लेकर के यहां लॉकडाउन की वजह से इसे पोस्टपोन ही किया जा रहा है और कुछ यहां पर जो है नहीं हो रहा है। कारण भी यहां पर दिया जा रहा है कि कॉपी चेक हुआ या नहीं हुआ, ये सारे मैटर जानने की कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी है कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। साथ ही न्यू वैकेंसी को लेकर के भी कब तक इसकी अपडेट आएगी इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। बस वीडियो को आप लोग कंप्लीट लास्ट तक देखते रहना तभी आप लोगों को पूरी कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिल पाएगा। एक इन्फॉर्मेशन आपको इस पेपर कट में निकल के आया है, ध्यान से देखिएगा। आपकी स्क्रीन पे यहां पर दोस्तों बताया जा रहा है कि जुलाई बाद होगा प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि दोस्तों इसमें बीएसएससी के बारे में यहां पर अपडेट जो है दिया जा रहा है। लेकिन आप तो कहोगे कि भैया ये तो बिहार पुलिस के अपडेट के लिए है, लेकिन जरा ध्यान से इस चीज को पढ़िएगा। देखो दोस्तों यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है ऐसे में जुलाई के बाद प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन संभव है। उर्दू अनुवादक व सहायक आशुलिपिक आदि पदों पर नियुक्ति के लिए जाने वाली परीक्षा व अन्य कई अन्य विज्ञापनों के प्रकाशित करने की प्रक्रिया भी लॉकडाउन के कारण से 2-3 महीने देरी होगी। अभी देख लो दोस्तों यहां पर कितना 2-3 महीने यहां पर देरी करने की बात किया जा रहा है। अभी आप लोगों का मई जो है आ चुका है, 3 महीना दोस्तों अगर आपने यहां पर ओवरऑल भी ले लिया तो आपकी रिजल्ट कब तक आएगा? अगस्त में आएगा। अगर अगस्त में आपकी रिजल्ट आएगी तो दोस्तों सितंबर में आप लोगों का फिजिकल होगा, यानी कि ये लंबा टाइम आप लोगों को लगने वाला है। कब? जब आपकी 3 मई को लॉकडाउन हट जाएगा। अगर 3 मई को लॉकडाउन नहीं हटा तो ये रिजल्ट आपको और भी आगे जाने वाला है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं एसएससी जैसे बोर्ड ने काफी कुछ यहां पर जानकारी बता दिया कि भैया 6 महीने के अंदर अभी कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, सारा कुछ जो है वो पोस्टपोन होते चल रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में बता दूं कि ये अपडेट आपकी कब निकल के आई है, कहां से निकल के आई है, इसके बारे में भी, ताकि आप लोगों को लगे कि ये जो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं ना वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ यहां पर दे रहा हूं। दोस्तों ये प्रभात खबर आप देख सकते हो 5, यानी कि दोस्तों यहां 5वें नंबर पेज पे ये 26/4/2020 को प्रभात खबर की ये अपडेट यहां पर है, यानी कि 26 अप्रैल को आपको ये प्रभात खबर बताया गया है कि जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें 2-3 महीना का टाइम लगभग आपको लगेगा जब 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दोस्तों आपको संभावना जो है वो नहीं दिख रहा है, जैसा कि आप लोग भी समझ रहे हैं इस बात को। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सही जानकारी सब लोग तक जो है वो पहुंच सके। और एक ही चीज को बार बार अपलोड करके वीडियो यूट्यूब के ऊपर रिजल्ट को लेकर के हवा बना रहे, भैया
जब भी आपकी रिजल्ट आएगा आपको सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, हिंदुस्तान खबर छाप देगा, आप हिंदुस्तान के पेपर में देख सकते हैं, दैनिक भास्कर में आप लोग देख सकते हैं, एके इंडिया आप लोगों को दोस्तों यहां पर जो है ये अपडेट भी बता देगा, ऑन एकेडमी बीपीएससी पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा जब रिजल्ट आएगा तब। इस तरीके से बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे, डेली रिजल्ट के बारे में अपडेट दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कहीं कोई रिजल्ट की इतनी अपडेट नहीं है, सारा ऑफिसेज आपका कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की वजह से बंद है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए।